बोरीवली पूर्व के राजेंद्र नगर में स्थित रायगढ़ इमारत के पास शिवसेना द्वारा आरोग्य शिविर, मोतियाबिंद जांच और चश्मे का मुफ्त वाटअप कार्यक्रम रखा गया। वही आपको बता दें कि राजेंद्र नगर के वार्ड नंबर 14 में ये इलाका आता है, जहां पर लगभग सैकड़ों की तादाद में इस शिविर में लोगों ने यहां आकर इस शिविर का लाभ उठाया। वही अगर बात करें इस महा आरोग्य शिविर की, तो इस आरोग्य शिविर के आयोजक मनोहर देसाई है, जो विधानसभा संगठक शिवसेना के है। वही सहयोग के तौर पर तारा संस्थान और एपेक्स हॉस्पिटल ने इस शिविर में अपना सहयोग दिया। जिस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर आरोग्य शिविर में सैकड़ों लोगों ने अपना योगदान देकर इस शिविर को सफल बनाया। मनोज देसाई जी, आज शिवसेना द्वारा ये मेडिकल कैंप और चश्मे का वितरण किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, हा कार्यक्रम शिवसेना शाखा क्रमांक 14 वतीने आयोजित केलेला आहे। शिवसेनेत काम करताना आम्ही कधीच बघत नाही की आमची सत्ता आहे का सत्ता नाही, समाजकारण हाच एक आमचा धागा पकडतो आम्ही आणि शिवसेनेचं काम करत असतो। आज या विभागात हा सगळा मुस्लिम विभाग आहे, इथे हिंदू मुस्लिम दोघंही एकत्र काम करत असतात आणि मध्यमवर्गीय हा विभाग आहे। या विभागात आम्ही आज चष्मा शिबिर आणि आरोग्य शिबिर असं कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे। अजूनपर्यंत या कार्यक्रमामध्ये 400 जणांनी भाग घेतलेला आहे, त्यात 51 जणांचं मोतीबिंदूचं ऑपरेशन आहे आणि बाकीच्यांनी चष्म्याचा लाभ घेतलेला आहे। ECG चेकअप आहे, शुगर चेकअप आहे। मध्यमवर्गीय लोक बाहेर जर हॉस्पिटलमध्ये जर गेले तर त्यांना छोट्या छोट्या गोष्टीसाठी पैसे द्यावे लागतात, तर आम्ही त्याशी शाखेमध्ये बसून असा विचार केला की जर आपल्या ह्या विभागामध्ये लोकांना जर मोफत मिळत असेल तर त्याचं आपण एक आयोजन करूया आणि शाखेच्या वतीने हे आयोजन करण्यात आलेलं आहे। आप तो कितने लोगों ने और कितने मेडिकल फैसिलिटी आपने किस तरीके से रखा, आप बता सकते हैं? ECG के डॉक्टर लोग 10-15 मिनट में अभी आने वाले हैं। चश्मा जो आँख का चेकअप करने के बाद लोग दे रहे हैं। शुगर चेकिंग चालू है, वेट चेक कर रहे हैं, अभी BP चेक कर रहे हैं। अभी तक इतने लोग आए हैं, सब हमारे कार्यकर्ते सब अच्छे तरह से सब हैंडल कर रहे हैं। और कितने महिलाओं का अगर गिनती करें और पुरुषों की गिनती करें, पुरुषों और महिलाओं ने इसमें सहभागिता की है? ज़्यादा कल से 200-300 महिला ने अभी तक तो पार्ट लिया है इसमें, बाकी सब जेंट्स। और आपको ये वार्ड का बात करें तो इसमें जो भाजपा की सरकार है इस वार्ड में, भाजपा की सरकार क्या कर रही है या आप नगर सेवक किया कोई भी पर बड़े पद पर ना होने के बावजूद भी इस बड़े भव्य शिविर में आपने काम किया? आम्ही लोकांवरती टीका करण्यापेक्षा आम्ही काय करू शकतो हे आम्ही दाखवून देतोय। नगरसेवक असो, या वॉर्डमध्ये नगरसेवक BJP आहे, आमदार BJP आहे, खासदार BJP आहे, याचा अर्थ असा नाही की आम्ही हा विभाग त्यांना अंधन म्हणून दिलेला आहे। आम्ही आमचं काम जे चालू आहे ते करतच राहणार। और आगे के प्रोग्राम के बाद जो शिवसेना के द्वारा आप करेंगे उसको लेकर क्या है? अभी 23 जनवरी आएंगे, 23 जनवरी को हमारे बाबा साहब का जन्मदिन है, उस दिन भी हमारा बड़ा कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद सब चुनाव, तो फरवरी मार्च तक चुनाव लगने वाला है, उसके पीछे हम लोग हैं। इस बार चुनाव में आपकी उम्मीदवारी कुछ है क्या? उम्मीदवारी हमारा पक्ष जो देगा उसका काम हम लोग को करना पड़ेगा। बीते कई साल से आप यहाँ इस वार्ड में लगातार काम करते रहे, लेकिन आपको सीट नहीं मिली? नहीं, टिकट इसके पहला लेडीज हुआ था, मैं 2012 में शाखा प्रमुख हुआ था, उसके बाद 2017 का इलेक्शन आया तभी लेडीज हुआ था, तो लेडीज जो शाखे में जो काम करेगी उसके लिए मैं टिकट मांगा था। अभी ओपन हुआ तो पक्ष सोच लेगा टिकट देना है या नहीं देना, जिसका देगा उसका हम कम करेंगे। देसाई द्वारा आज ये शिविर रखा गया, कितना सफल रहा आपके हिसाब से? एक्चुअली देसाई साहब हमारे विधानसभा संगठक है
और ये हमारे शाखा प्रमुख अशोक परब जी है। हम सब मिलजुल के आज ये हमारे बहन ने शिवसेना में आज प्रवेश लिया है। उन्होंने देखा है, जाना है कि सिर्फ शिवसेना ही 100% काम करती है, लोगों के लिए काम करती है। आज यहाँ पे एम्बुलेंस होने दो, कुछ भी होने दो, हमारी शाखा यहाँ सामने ही है, वो शाखे में लोग आते हैं, बताते हैं, कुछ भी हो तो रातों रात हमारे मनोहर देसाई उनके लिए अवेलेबल रहते हैं और वो काम करते हैं। नहीं, हम लोग तो ओरिजिनल है और ओरिजिनल ही रहेंगे, और कितना भी करो, ये हमारे मस्जिद के सब लोग है, आज नहीं बहुत सालों से शिवसेना को मानते आए हुए। इधर उधर होता है, जब राजकारण और नीति सब बदलती है तब लोग भी बदलते हैं, इसलिए होता है। लेकिन हम लोग की शिवसेना यहाँ पे गड़े मजबूत है, उसके लिए कोई दुमत नहीं हमारा। मैं फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे आया हुआ है कैंप है, लेकिन सबको अच्छा लगा और सब ने लाभ उठा रहे उसी का, और आज मेरा फर्स्ट दिन है, इसके वजह से मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। नमस्कार, शिवसेना शाखा क्रमांक 14 मनोहर देसाई विधानसभा संघटक आयोजित चष्मा शिबिर आणि मधुमेह तपासणी या कॅम्पसाठी अत्यंत उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद आहे। आमच्या अपेक्षेप्रमाणे जास्त प्रतिसाद आहे, लोक त्याचा फायदा घेत आहेत, अतिशय चांगल्या पद्धतीने सगळं आयोजन झालं आहे आणि आम्हाला ह्या स्थानिक लोकांचा फार मोठा पाठिंबा आहे। तुम्ही आताच बघितलं असेल दीदीने आमच्या पक्षात आलेले आहेत आणि इथला जो मुस्लिम मोहल्ला आहे हा नेहमीच शिवसेनेच्या बाजूने असतो आणि आता तर अख्खा मुस्लिम समाज एक उद्धवजींच्या बाजूने एका वेगळ्या पद्धतीने एकवटला आहे, तर मी आम्ही फार आनंदी आहोत या सगळ्या गोष्टी। मेडिकल कॅम्प में आहे जी, और आपने किस चीज़ का लाभ लिया? पहली बात तो मैं मनोहर सर का थैंक यू बोलूँगा, उन्होंने हमारे इस गली में या मतलब इस मोहल्ले में इन्होंने कैंप लगाया, तो उससे काफ़ी पब्लिक का यहाँ पर लाभ हो रहा है। जैसे कि कुछ जैसे कि अपना चश्मा है और बाकी सारी सुविधाएं उनको मेडिकल में अच्छी मिल रही है, और इसके अलावा जैसे कि ये काफ़ी सारे कामों में अभी हमारे जो बेसिक मुद्दे जो नॉर्मल जो मुद्दे होना चाहिए राजस्थानिक, वो उस मुद्दे पे काफ़ी सारा काम कर रहे हैं, और ये कैंप लगाने की वजह से काफ़ी लोगों को इनको हेल्प भी हुई, लोगों को जैसे चश्मा हो गया, किसी का ब्लड अगर चेक करना है और उसके बाद में अगर किसी अगर कुछ ऑपरेशन का भी जरूरत पड़ा मोतीबिंद वगैरह तो कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी केस यहाँ पर अपने पास है। तो इसके लिए मैं इनके लिए वन सेकेंड थैंक यू टू मनोहर सर, और उनसे गुजारिश हो रही जैसे कि हमने काफ़ी सारे उनसे सुविधा ऐसा हमारे लोकल बाथरूम के लिए भी उन्होंने हमको काफ़ी सारा हेल्प किया है, यहाँ तक कि हमारे जो स्थानिक जो नगर सेवक है MLA है और यहाँ तक कि खासदार की भी अगर मैं बात करूँ तो कोई यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा भी नहीं कि चलो एक लेटर भी दिया है हमने, काफ़ी सारे 3 से 4 बार हमारी दरख्वास्त लेटर भी गई है, और यहाँ तक कि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई है, क्योंकि 6 महीने से तो नगर सेवक का कार्यकाल खत्म हो चुका है, उसके बाद भी हम लेटर देने के बाद भी यहाँ पर काम नहीं हो रहे, उसको बाद होने के बावजूद भी मनोहर सर ने इंटरेस्टेड दिखाया, और दिखवाने के बाद कुछ नहीं, फूल ने फूल की पंखड़ी समझ लो, थोड़ा सा उन्होंने काम किया और आगे भी हमें उनका ऐसे ही सहकार्य चाहिए, बस इतने। थैंक यू। लाभ लिया मतलब बहुत से लाभ है, जो अभी हमें फ्री में मिल रहा है तो हम लाभ ले रहे हैं, हमारे दादा ने लिया अभी, और जो हमारे यहाँ के नागरिक लोग हैं लाभ ले रहे हैं, अच्छा काम कर रही है जो विपक्ष में हम, बट काम अच्छा कर रहे हैं, सरकार में आएंगे तो और अच्छा काम करेंगे हम। मनोहर नेता है, अच्छे नेता है, हमारे लिए कभी भी खड़े रहते हैं, कुछ काम रहेगा तो आते, सपोर्ट हम करते हैं, हमें छोटे बड़े काम में खड़े होते हैं। तो क्या लगता है कि मनोहर देसाई इस वार्ड से जीतेंगे? अब ये तो बोले सकते, लेकिन इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी जीते, और क्या काम होना चाहिए, कोई भी जीते।